लाइसेंस का आरसी का 5,000 का है, प्रदूषण का 10,000 का है, ठीक है। अब हमें 100 रुपये वाले चलान नहीं रह रहे, ठीक है। कैसे तो नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर अगर आप दो पहिया वाहन लेकर चलते हैं तो आप अवश्य ध्यान रखिएगा, दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उन गाड़ियों को यहां पर रोका जा रहा है जिनकी नेम प्लेट यहां पर लगी नहीं गई थी और चलान यहाँ पर काट दिया गया है। विशेषकर ध्यान रखिएगा, जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा। आप दस्तावेज चेक कीजिएगा, अगर आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होगा तो आपका जो है चलान काट दिया जाएगा। इस वीडियो को आप साथ की साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का जो एक चेकिंग अभियान है वो यहां पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी दो पहिया वाहन जो यहाँ पर अपना वाहन लेकर गुजर रहे हैं सभी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, एक और आपको मोटरसाइकिल दिखाते हैं, इसके आगे भी गाड़ी का नंबर जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और यहाँ पर इनका भी चालान कर दिया गया है। आप सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। अगर आप अपने दस्तावेज नहीं लेकर चलते तो आपका चालान काट दिया जाएगा। करनाल के बस स्टैंड के पीछे की इस वक्त हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का यहां पर एक जो चेकिंग अभियान है वो देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हुए फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, जो छोटे बच्चे हैं ख़ासतौर से जब वो घरों से बाहर निकलते हैं दस्तावेज़ उनके पास बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, फिर उनका जो है चलान कर दिया जाता है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की और किस तरीके से यहाँ पर जब बिना दस्तावेज़ के, बिना नंबर प्लेट के अगर आप दो पहिया वाहन चलाएँगे तो साहब आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपका चलान कर दिया जाएगा। आपका बच्चा ठीक चला रहा, दूसरा का टक्कर मार दे, हेलमेट इस बच्चे की सेफ्टी, पुलिस की कोई सेफ्टी ना। बच्चों की मेरे मत दो, उनको डॉक्यूमेंट्स दो, हेलमेट डालो, उनको बताओ कि मैं लेफ्ट साइड में चलना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अभिभावकों को यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ख़ासतौर से स्कूल में जाने वाले बच्चे जब अपना वाहन लेकर चलते हैं तो काफ़ी कमियाँ जो है पुलिस को जब लगती है तभी उनका जो है वाहन रोका जाता है। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि इस तरीके से एक जो बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ी सड़क पर दौड़ती है तो पुलिस का रोकना भी जायज़ है और अब इसका जो है यहाँ पर चालान किया जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुँचे। जो भी लोग दो पहिया वाहन चलाते हैं वो जब घरों से बाहर निकलते हैं तो सिर पर हेलमेट डालना, मास्क डालना ये बहुत ज़रूरी होता है। कोरोना अभी आपके शहर से गया नहीं है, हालांकि जो फ्रंटियर्स हैं उनको कोरोना का इंजेक्शन ज़रूर लगा है लेकिन और अन्य लोगों को अभी कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगा। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ज़रूरी है हेलमेट डालना, बहुत ज़रूरी है मास्क डालकर गाड़ी को चलाना। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जब स्कूली बच्चे बाहर निकलते हैं तो बहुत से कमियां पाई जाती हैं। देखिए, जैसा कि पहले भी आपको पता है कि ट्रैफिक चेकिंग रूटीन में चलती रहती है और अब जो है ये बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, खासकर ये बच्चे एक तो आउट ऑफ पैटर्न नंबर लिख के चलते हैं, हेलमेट नहीं डालते, बुलेटों के पटाखे मारते हैं और यहाँ तकरीबन ज़्यादा स्कूल होने के कारण यहाँ ज़्यादातर चेकिंग पर जोर दिया जाता है।
किसी के पास भी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, ना मिलने के कारण कई बाइक भी बंद करनी पड़ी है और चालान तो होते ही रहे हैं जी। बिना मास्क के लोग अभी चल रहे हैं, उनका भी चालान किया जा रहा है। जो बगैर मास्क के लोग चलते हैं उनका भी अभी चालान किया जा रहा है, क्योंकि अभी महामारी का प्रकोप कुछ कम हुआ है, पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। तो अपना मास्क अवश्य रखें, हेलमेट अवश्य रखें, डॉक्यूमेंट्स अपनी गाड़ी के साथ लें। एक जो बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाते हैं, इनका कितना चालान है? बुलेट मोटरसाइकिल पर जो पटाखे लगाते हैं, पटाखे मारने का 10,000 रुपये फाइन है, और जो डबल साल हॉर्न लगाते हैं उसका भी 10,000 रुपये फाइन है। बिना हेलमेट के चलते हैं? बिना हेलमेट का 1,000 रुपये फाइन है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें जो है सूचना दी है कि 1,000 रुपये का जो चलान है वो यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं, बिना मास्क डालकर गाड़ी चलाते हैं, तब भी आपका चलान किया जाएगा। अगर आपका नंबर प्लेट नहीं है तब भी भारी जुर्माना आपको लग सकता है। और विशेष तौर पर जितने भी लोग बुलेट मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें तो साइलेंसर मॉडिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं साइलेंसर मॉडिफाई करवाते हैं, तो उनका भी चलान जो है 10,000 रुपये का चलान जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिनके पास दस्तावेज़ की कमी है, जिनके नंबर प्लेट्स नहीं हैं, जो कम आयु के जो बच्चे हैं, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे नहीं होते, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो होते हैं उनका भी यहाँ पर जो है चलान किया जा रहा है। निवेदन सभी अभिभावकों से यही रहेगा हमारा कि जो भी बच्चे आपके मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं, जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक अपने बच्चों को वाहन चलाने के लिए मत भेजिएगा। और वहीं दूसरी ओर अगर आप बुलेट मोटरसाइकिल पर किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो 10,000 रुपये आपसे वसूले जा सकते हैं। अगर नंबर प्लेट आपके मोटरसाइकिल पर नहीं होगा तब भी एक भारी रकम आपसे वसूली जा सकती है। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल के बस स्टैंड के पीछे की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर मुस्तैदगी देखी जा रही है। जितने भी दो पहिया वाहन हैं जब घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज़ की कमी है विशेष तौर पर, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है और चलान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल 24।